दिल्ली में पीएम मोदी की मेगा रैली, कहा इंडी गठबंधन के लिए फैमिली फर्स्ट, देश निर्णय करे कि नेशन फर्स्ट चाहिए या फैमिली फर्स्ट। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पाकिस्तान का राग अलापने वाले 4 जून को बोरिया बिस्तरा पैक कर जाएं पाकिस्तान। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द। ममता बनर्जी ने कहा कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगी, खेला करूंगी। पुणे हिट एंड रन मामले में 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया नाबालिग का पिता, आरोपी के परिवार का निकला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। गृह मंत्रालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। राहुल गांधी का एक और विवादित बयान, कहा जब से पैदा हुआ हूं मैं सिस्टम के अंदर बैठा हूं, कैसे चलता है, किसको टारगेट करता है, किसको बचाता है, मैंने सब देखा है। आंध्र प्रदेश में मतदान के दौरान वाईएसआर विधायक पिनेली रामाकृष्ण रेड्डी का वीवीपैट मशीन को जमीन पर फेंकते हुए वीडियो वायरल हो गया, इलेक्शन कमीशन ने मामले का संज्ञान लिया। दिल्ली एनसीआर में 24 मई तक हीट वेव का अलर्ट, राजस्थान में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। यूपी के 19 शहरों में आंधी तूफान की आशंका अब जाहिर की जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़, रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अमेरिका के आयोवा में टूटा चक्रवात का कहर, कई लोगों की मौत, घर और इमारतें तबाह, गवर्नर ने घोषित किया आपातकाल।